ओडिशा के पटनागर के घर में शादी का माहौल था। 5 दिन पहले ही घर के बेटे की शादी हुई थी। शादी खत्म करके रिश्तेदार अपने अपने रास्ते लौटे थे। घर में दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की दादी थे। दोपहर के करीब 1 बजे घर पे एक कुरियर आया। घर वालों को लगा शायद शादी में शामिल ना होने पर किसी ने तोहफा भेजा है। दूल्हा पार्सल लेके किचन पर काम कर रही अपनी नई दुल्हन के पास जाता है। दादी भी किचन में पहुंचती है। दूल्हा पार्सल खोलता है और एक जोरदार धमाका होता है। तीनों लोग झुलस जाते हैं। दादी का मौके पर ही मौत हो जाता है। दूल्हा अस्पताल में दम तोड़ देता है। 5 दिन की सुहागन अब पूरी तरह झुलस गई थी। ऐसे सीन्स मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ सच में शादी के गिफ्ट में बॉम्ब भिजवाया गया था। कौन था ये मास्टरमाइंड और क्यों किया था इस तरह का प्रहार, चलिए जानते हैं। ये है पटनागर पार्सल बॉम्ब केस। ओडिशा के पटनागर की साहू परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था। घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू पटनागर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जूलॉजी का लेक्चरर थे। उनकी पत्नी संजुक्ता साहू बैंसना के ज्योति विकास जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल थी। दंपति के 2 संतान थे। बेटा सोमशेखर साहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बेंगलुरु की जैपनीज इलेक्ट्रॉनिक फर्म में काम कर रहे थे। बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। संपन्न और सुखी परिवार था। घर के इकलौते बेटे सौम्य शेखर की शादी तय होती है। 18 फरवरी 2018 को सौम्य की शादी रीमा साहू के साथ होती है। शादी में करीब 800 लोग शामिल हुए थे। 20 तारीख को शादी का रिसेप्शन भी होता है। 22 तारीख को सौम्य की बहन कजाकिस्तान लौटने वाली थी और पिता उसके साथ दिल्ली चले जाते हैं। 23 तारीख की सुबह संजुक्ता साहू अपने कॉलेज चली जाती है, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और बतौर कॉलेज के प्रिंसिपल उन पर काफी जिम्मेदारियां भी थी। दोपहर को पार्सल आता है। सौम्य उसे खोलता है और दादी और सौम्य की मौत हो जाती है और रीमा 40% जल जाती है। धमाका सुनकर आस पड़ोस के लोग घर पर भाग के आते हैं। घर का मंजर भयानक था। चारों तरफ धुआं धुआं था। घर के सदस्य दर्द से कर्रा रहे थे। रसोई घर के चीतड़े उड़ गए थे। पड़ोसी एम्बुलेंस को बुलाते हैं और पुलिस को सूचना देते। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू करती है। रसोई में सिलेंडर सही सलामत था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि यह धमाका हुआ तो हुआ कैसे। फोरेंसिक टीम और बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसको फोरेंसिक टीम पक्का करता है, क्योंकि घर में बारूद का गंध आ रहा था। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लास्ट किससे हुआ। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में 5 दिन पहले शादी का माहौल था और अब मातम पसरा था। 5 दिन में विधवा बनी रीमा जब बोलने की हालत में आई तो पार्सल बॉम्ब का खुलासा हुआ। किसी ने फिल्मी अंदाज में शादी के गिफ्ट के तौर पर बॉम्ब भेजा था। देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था। पुलिस हर एंगल को टटोल रही थी, परिवार से दुश्मनी से लेकर रीमा और सौम्य की शादी से पहले की रिश्ते तक। लेकिन सब बेकार साबित हुआ। केस सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी परिवार से जुड़े छोटे से छोटे बात को भी जांच पर लाई, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया। इसी बीच 18 अप्रैल को पटनागर के एसएसपी को एक गुमनाम खत आता है। खत में लिखा था, आप लोग पटनागर बॉम्ब केस में बेगुनाह लोगों पर शक करके उनको परेशान कर रहे हैं। इस कत्ल के पीछे साहू परिवार का ही हाथ है। उनका जमीन जायदाद से जुड़े झगड़े के चलते ये कत्ल हुआ है। पुलिस इस खत के बारे में किसी को नहीं बताती है और चुपचाप साहू परिवार की जमीन हर आयाम पर जांच शुरू कर देती है। इसमें भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब पुलिस खत के बारे में साहू परिवार को बताते हैं। रविंद्र कुमार साहू और उनकी पत्नी संजुक्ता को खत दिखाते हैं। संजुक्ता को खत का लिखावट जानी पहचानी सी लगती है। बहुत सोचने के बाद उन्हें खत में जमीन के बारे में लिखी हुई एक लाइन अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट संयुक्ता को उनके कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल पुंजलाल मेहरा के लिखावट की शैली से मेल खाता हुआ लगता है। पुलिस पुंजलाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। कुरियर कंपनी के लोग भी पुंजलाल को पहचान लेते हैं। पुंजलाल के घर से बचा हुआ बारूद और तार भी मिलता है। पुंजीलाल का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री बॉम्ब बनाने के तरीके ढूंढ रहा पुंजीलाल का पोल खोल देता है। एक शिक्षक जिसके मार्गदर्शन पर हजारों बच्चे आगे बढ़े, वो इस तरह किसी का कत्ल क्यों करेगा, ये सवाल सबके मन में था। पुलिस के सामने पुंजीलाल ने अपना जुल्म कबूल कर दिया और इस सनसनी केस का ब्यौरा दिया। असल में पुंजीलाल मेहरा ज्योति विकास जूनियर कॉलेज के इंग्लिश लेक्चरर था और प्रिंसिपल भी। जब संजुक्ता इस कॉलेज में आई तभी सभी यही बात कर रहे थे कि अगली प्रिंसिपल वही बनेगी, क्योंकि संजुक्ता पुंजीलाल से सर्विस में सीनियर थी। पुंजीलाल अपना प्रिंसिपल का पद नहीं छोड़ना चाहता था, इस कारण से उसने झूठे आरोप लगाकर संजुक्ता को उस कॉलेज से भगाने की भी कोशिश की। लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट ने पुंजीलाल को हटाकर सर्विस के आधार पर संजुक्ता को प्रिंसिपल बना दिया। इस बात से पुंजीलाल के अभिमान पर ठेस पहुंचा था और उसने अपने जलन और गुस्से के चलते संजुक्ता का पूरा परिवार को खत्म करने की ठान ली। 2017 के अक्टूबर में जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, पुंजीलाल अपने घिनौने प्लान की तैयारी शुरू कर देता है। अत्यधिक मात्रा में पटाखे खरीदकर उनके अंदर से गन पाउडर निकाल दी और इंटरनेट की मदद से दिवाली के लाइट्स के तार को जोड़कर
खोलने पर आग की चिंगारी लगे और फट जाए ऐसे बम बनाए। पहले छोटा सा बम बनाकर सुनसान जगह पर ट्रायल किया। तभी पूंजीलाल को संयुक्ता के बेटे का शादी का पता चलता है। इससे अच्छा मौका पूंजीलाल को नहीं दिखा। फरवरी में एक सुबह वो कॉलेज में अपना क्लास लेता है और घर वापस आता है। गिफ्ट पैक करके रखी हुई बॉम्ब की पार्सल को लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ देता है ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। सीसीटीवी में कैद ना हो इसलिए बिना टिकट के 2.5 घंटे का ट्रेन का सफर करके रायपुर पहुंचता है। रायपुर की स्काई किंग कोरियर कंपनी से संयुक्ता के घर फर्जी नाम और पते के साथ पार्सल भेजता है। शाम को ट्रेन से फिर पटना घर पहुंच जाता है। इस तरह खतरनाक बॉम्ब पार्सल ने एक हफ्ते में करीब 650 किलोमीटर दूर का सफर 3 बसों में और 4 लोगों के हाथों से होकर 20 फरवरी को पटना घर पहुंचता है। 3 दिन बाद ये सौम्या और उसकी दादी का जान ले लेता है। पूंजीलाल ने सौम्या की शादी और अंतिम संस्कार दोनों में शामिल हुआ था। पुलिस हिरासत में पूंजीलाल ने कहा, मैं गुस्से और नफरत से भर गया था। मेरा पद छीन कर एक औरत को दे दिया गया था और इस अपमान का घूंट मैं नहीं पी पाया। मैं उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। जिंदगी किसी से नफरत करने के लिए बहुत छोटी है और छोटी सी जिंदगी में सुधार कर जीना इतना भी मुश्किल नहीं है। अलविदा।